तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है, आइसोटोन होता है, आइसोटोन होता है, ठीक है, आइसो 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 बार होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइस एलिमेंट है, मतलब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉम्सन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, इन्वेंटर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको? पीएन, पीए पीएन। यहाँ पे उसके बाद फिर क्या लिख सकते हो? आर टी सी, ठीक है, आर टी सी से याद रख सकते हो। यहाँ से कोई यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फील कैपेसिटी होता है 2n² आपको याद रखेंगे, 2n², ठीक है। तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे के सेल हो जाएगा, के सेल हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? यहाँ पे 2 होता है, के सेल में 2 फिल कर सकते हैं। उसी तरह एल सेल का बात करें तो एल सेल में कितना होता है? 2n² तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे रखूँगा तो 2 × 4 × 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम सेल में क्या होता है? 3 होता है, एन सेल में 4 होता है, और ओ सेल में 5 होता है, पी सेल में 6 होता है, और क्यू सेल में 7 होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें 2n² से। ओके, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप का बारे में बता देता हूँ। हाइड्रोजन का क्या आइसोटोप होता है? प्रोटोनियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और एक्टिनियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम में यहाँ पे क्या है? मास यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और ड्यूटेरियम में क्या होता है? डी ट्यू, जो मतलब यूज करते हैं ना, एस ट्यू। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है? जैसे एस ट्यू जल होता है, ठीक है। और हैवी वाटर क्या होता है? डी टी यू। डी टी यू का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मॉडरेटर के लिए यूज़ करते हैं, मॉडरेटर के तौर पर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका आइसोटोप के बारे में जानना चाहिए। जैसे अलग अलग आइसोटोप है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, टाइटेनियम का, आयरन का, कोबाल्ट का, एस्ट्रोनियम का, एंटोमनी का, ठीक है। इस टाइप का क्या है इसका अलग से, मतलब उसका आइसोटोप है। इसके बाद बात कर लेता हूँ एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड और बेस, जैसे एप्पल में, एप्पल में कौन सा एसिड मतलब रहता है? तो मैलिक एसिड रहता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H6 और O5 होता है, C4H6 और O5 होता है, ठीक है। अगर मैं एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक में क्या होता है? C4H6 और O6 होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जिलिक एसिड होता है, ऑक्जिलिक एसिड C2H2 और यहाँ पर होता है O4, C2H2 और O4 होता है, ठीक है। मेटल यहाँ पर हो जाएगा ब्लू मेटल कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl होता है, CaOCl और Cl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको कुछ फार्मूला एसिड, और उसका सोर्स देख लेता हूँ कहाँ कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड किस में? लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में, टमाटो में। कि कौन सा एसिड पाया जाता है आपको? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर इसका सोर्स है, विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड का क्या होता है? C3H3COOH। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? स्टिंग ऑफ बी एंड चींटी, मतलब अगर हमें बाइट अगर करता है तो उसके कारण आपको जो दर्द मतलब बाइट में होता है, तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रहता है चींटी वगैरह में, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, C3H6O3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोर मिल्क और योगर्ट में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है, पपाया या फिर बारकोली वगैरह में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड मैंगो, ग्रेप्स, टर्मेरिक, बनाना वगैरह में, सब फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ऑक्जिलिक एसिड स्पाइन टमाटो वगैरह में पाया जाता है ऑक्जिलिक एसिड, ठीक है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग जो होता है ना, लाइकोपिन के कारण होता है। उसके बाद बोरिक एसिड किसका होता है? बोरेक्स में पाया जाता है, वरासाइट और अल्कोहल वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उस ग्रीन बिट्रोल, ब्लू बिट्रोल और वाइट बिट्रोल और रेड बिट्रोल, ठीक है, चार तरह का होता है। तो
तो ग्रीन बिट्रोल क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है Fe(SO4)7HTO। उसके बाद ब्लू बिट्रोल होता है कॉपर सल्फेट CuSO4)5HTO होता है। व्हाइट बिट्रोल होता है जिंक सल्फेट ZnSO4)7HTO होता है, ठीक है। और रेड बिट्रोल क्या होता है आपका, रेड बिट्रोल होता है आपका कॉबल्ट सल्फेट, ठीक है, कॉबल्ट सल्फेट उसको CuSO4)7HTO होता है। तो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्ड्स देख लेता हूँ और उसका केमिकल नेम, तो फटाफट इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। वर्ड्स देख के और थोड़ा सा और देख लेता हूँ, उसको खत्म करूँगा। या फिर सोडियम, सोडियम का वर्ड्स अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, चिली सॉल्ट पेपर होता है, ट्रोना होता है, बोरेक्स, ठीक है, इसका क्या है वर्ड्स, ठीक है। और एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का वर्ड्स क्या क्या है सब पता है, कॉमन वर्ड्स हो गया। तो एल्युमिनियम का आजकल एग्जाम बहुत कम पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है बॉक्साइड हो गया, कोरंडम हो गया, फेल्सपर हो गया, कैरोलाइट हो गया, एलोनाइट हो गया, ठीक है, कैलोलिन हो गया, सब क्या है ओर्स हो गया एल्युमिनियम का। पोटेशियम का ओर्स के बारे में बात करें तो पोटेशियम का ओर्स क्या क्या होता है, पोटेशियम का ओर्स हो गया आपका नाइट्रेट सॉल्ट पेपर हो गया, कैरोनाइट हो गया। कैल्शियम का डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, और ये सब क्या है कैल्शियम का ओर्स है। मैग्नीशियम का हो गया मैग्नेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कैरोनाइट हो गया, ये सब मैग्नीशियम का ओर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो लीड का ओर्स क्या होता है, लीड का हो गया गेलेना। जिंक का होता है जिंसाइट होता है, जिंक ब्लेंड होता है, कैलामाइन होता है जिंक का। टीन का बात करें तो कैसे कैसे टीराइट होता है टीन का। कैडमियम का बात करें तो ग्रिनोसाइट होता है। निकल का बात करें तो मिलाराइट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका तो मैंगनीज का बात करें तो पायरोलोसाइट होता है, मैग्नाइट होता है, ये सब इसका होता है। मरकरी का सिनेबार होता है, सिल्वर का होता है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब उसका ओर्स हो गया। गोल्ड का होता है आपका कैला विराइट होता है और सिल्वर विराइट होता है, ठीक है। यूरोनियम का होता है कैरेनेटाइट होता है, पीस ब्लेंड होता है। यूरोनियम का क्या होता है पीस ब्लेंड, ठीक है। और यूरोनियम का क्या होता है पीस ब्लेंड, इसका ओर्स होता है, ठीक है। उसका और बारे में बात करूँ थोरियम, थोरियम पूछा गया था बीपीएससी में, तो थोरियम क्या होता है उसका मोनाजाइट होता है। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है केरल में, ठीक है। तो केरल में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 67 में, ओके। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप में प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, और उसमें एटॉमिक नंबर क्या कितना होता है, वन होता है, मास नंबर वन होता है, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या कितना होती है, वन होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। ड्यूटेरियम में बात करें या हेवी हाइड्रोजन में बात करें तो इसमें क्या होता है प्रोटोन एटॉमिक नंबर वन होता है, मास नंबर यहाँ पे दो होता है, और यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या क्या होता है वन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है वन होती है। ट्राइटियम में बात करें तो ट्राइटियम में वन एस थ्री होता है, तो यहाँ पे क्या होता है वन एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ पे मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया थ्री हो गया, यहाँ पे प्रोटोन वन हो गया न्यूट्रॉन टू हो गया, ठीक है। आप देखो जैसे कहीं अगर एलिमेंट इस तरह लिखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स एलिमेंट को इस तरह से, अगर कहीं लिखा हो मेंशन किया हो, जैसे यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है एटॉमिक नंबर, जेड क्या होगा यहाँ पे मास नंबर हो जाएगा, इस तरह से लिखा होगा। और यहाँ पे देखो जेड माइनस ए करेंगे ना तो फिर आपको निकल जाएगा क्या न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या ट्राइटेनियम में कितना होता है वन एस थ्री लिखा हुआ वन एस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक क्या होगा वन हो गया, ठीक है। अब मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया थ्री हो गया, बट यहाँ पे जेड माइनस ए करूँगा तो जेड माइनस ए, तो यहाँ पे निकल जाएगा मुझे किसका संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे थ्री माइनस वन करूँगा तो यहाँ पे टू न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन क्या होता है सेम होता है, तो ये जितना होगा एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आप बीएससी सीजीएल में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से सीजीएल में, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे बरस, बरस में क्या होता है आपको कंपोजिशन कॉपर और जिंक रहता है, ठीक है। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, कॉपर और जिंक रहता है, कॉपर और जिंक रहता है बरस में। ब्रोंज, ब्रोंज में क्या रहता है मतलब कॉपर और टीन रहता है, ठीक है। ब्रोंज, ठीक, कॉपर और टीन रहता है, यानी ब्रोंज जैसे होता है ना ब्रोंज मेडल दिया जाता है कांस्य पदक, ठीक है, यहाँ पे कॉपर और टीन, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड में क्या होता है कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का रहता है। उसके बाद फिर आपका होता है गन मेटल, गन मेटल में होता है क्या क्या कॉपर और टीन और जिंक रहता है, कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण रहता है। उसके बाद बेल मेटल, तो बेल में कॉपर और टीन रहता है, कॉपर और टीन। उसके बाद फिर आपको जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर रहता है, जिंक रहता है और निकल रहता है, कॉपर कॉपर जिंक और निकल रहता है। शोल्डर, शोल्डर वाला यहाँ पे लीड मतलब पीवी लीड और यहाँ पे क्या रहता है एसएन मतलब टीन रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो एल्किनो, एल्किनो में क्या होता है एल्युमिनियम निकेल फेरस और कोबाल्ट होता है, ठीक है। और मैग्नीज स्टील में क्या होता है मैग्नीशियम और फेरस रहता है। तो आई होप आज के वीडियो में इतना ही।